अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का भाई आफाक अली यूसुफ जी एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। इस टाइम मैं हूँ बैरियर टाउन फेज़ 8 के सफारी विलाज़ में, और सफारी विलाज़ में ये खूबसूरत विला है 8 मरले का जो कि फॉर सेल है। वैसे तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं फैसल टाउन और फैसल हिल्स के अलावा बाहर किसी मार्केट में काम नहीं करते हम, लेकिन ये हमारी ही एक इन्वेस्टर है, हमारी ही एक क्लाइंट है, बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपके वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो घर है मेरा फॉर सेल है, न्यू ब्रांड बना हुआ है, ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ, अभी तक रेंट पे नहीं लगा, कोई असेंबली अभी तक इसमें रही नहीं है, बिल्कुल न्यू ब्रांड घर है। तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करूँ, जो बैरिया टाउन के इंटरेस्टेड लोग हैं या बैरिया टाउन में जो सेल परचेज करना चाहते हैं या वो लोग जो बैरिया टाउन में अपना घर लेना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक बना बनाया हुआ खूबसूरत एक घर है बैरिया फेज़ 8 के सफारी होम्स में, स्ट्रीट नंबर 28 में। चलिए आपको घर अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से ये घर कैसा बना हुआ है। स्ट्रीट नंबर 28 में ये घर है, हाउस नंबर 950, और ये खूबसूरत विला बना हुआ है 7 मरले का। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसा बना हुआ है, कैसा डिज़ाइन के है। बाहर छोटा सा इन्होंने छोटा सा खूबसूरत लॉन बनाया हुआ है, और गेट के एंट्र साथ ही ये आपको मिल जाते हैं कार पोर्च, खूबसूरत यहाँ पे गाड़ी डिस्पेंट, यहाँ पर तो इसी लॉन्ड्री के लिए जगह। एंटर होते साथ ही ये साथ में ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, ये कार पोर्च, ये ग्राउंड फ्लोर की जो एंट्रेंस है मेन वो यहाँ से है, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने सेपरेट लेफ्ट साइड पे दूसरा गेट लगाया हुआ है ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसके लिए, ठीक है। यहाँ से भी आपकी एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी एंट्री एंट्री करते साथ ही ये सेकंड फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ, ये गेट, ये टीवी लाउंज बना हुआ खूबसूरत, और ये ड्राइंग रूम का दूसरा एक्सेस, पहले वाला एक्सेस मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें। टीवी लाउंज आ गया, साथ में ये वन बेड आ गया, ठीक है। वन बेड के साथ ये वार्ड बोर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये वॉशरूम लगा हुआ है, कॉमन वॉशरूम में बैठ के लिए भी, वन बेडरूम के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और ड्राइंग रूम के लिए भी हो सकते हैं, डबल इनको दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है। ये आ गया वन बेड, ये आ गया सेकेंड बेड, ठीक है। सेकेंड बेड आ गया, उसके साथ ये खूबसूरत वार्ड बोर्ड लगे हुए हैं, सेलिंग भी खूबसूरत, और ये वॉशरूम ये देख सकते हैं आप। सेकंड बेड के साथ ये आ गया आपका किचन, ये देखें किचन है, किचन बोर्ड लगा हुआ है, किचन, ठीक हो गया जी। सेकंड फ्लोर पे आते साथ ही पहले आपको दिखाते हैं किचन, ये सेकंड फ्लोर का किचन सेम जिस तरह नीचे डिज़ाइन हुआ हुआ है उसी तरह का खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है, और बाहर जो है बड़ी खुली, इसकी वेंटिलेशन जो है वो यूँ कर सकते हैं बाहर की तरफ, बाहर की जगह जो है वो खाली है। तो ये आ गया आपका किचन, किचन से निकलते साथ ये वन बेड, ठीक है, ये वन बेड के जो वार्ड बोर्ड्स है वो, और ये वॉशरूम, तो सेकंड बेड आ गया, साथ में ये वॉशरूम सेम जिस तरह इन्होंने नीचे किया हुआ है कि ये डबल दरवाजे लगाए हुए, इसका एक एक्सेस जो है वो बेडरूम की तरफ है, दूसरा एक्सेस इसका जो है कि ये ड्राइंग रूम की तरफ है, ठीक है। ये मेन इसका टीवी लाउंज आ गया, और देखिए ये बाहर की तरफ गेट लगा हुआ है, नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये छोटी सी गैलरी टाइप है, यहाँ से बाहर स्ट्रीट की तरफ जो व्यू है, जो घर बने हुए ये बाहर की व्यू है, ठीक हो गया जी। ऊपर सेकंड फ्लोर पे माउंटी की तरफ ऊपर देखते हैं कि ऊपर माउंटी या ऊपर से क्या इसका बना हुआ है,
किया है गैस का ऊपर, ये ऊपर इसका एक छोटा कमरा बना हुआ है, ठीक है। और छोटे कमरे के साथ ही छोटा सा कमरा जिस तरह सा सर्वेंट क्वार्टर होता है उस तरह का वॉशरूम साथ में अटैच। ये इसका पानी टैंकी, ये वेंटिलेशन के लिए बनाया है, ठीक है। और ये वैसे स्टोर टाइप है, इस तरह ऊपर डिज़ाइन भी किया हुआ है खूबसूरत, ये देखें है, ये स्टोर टाइप ही है। नीचे इन्होंने स्टोर और गोदाम शोदाम की चीज़ें रखी हैं, ठीक हो गया जी।